हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज फारूक और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने फैट टू फिट चैलेंज के डे 12 और डे 13 पे मैंने क्या क्या लिया था। डे 12 पे मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे फीवर भी आ गया था। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग मेरा नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने अपना टूथ एक्सट्रैक्ट कराया है, मैंने अपना विजडम टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट कराया था, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। तो वो पेन काफी इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर भी हो गया था, तो मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसे ब्रेड टोस्ट लिए थे और मैंने अपने ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए थोड़े से बटर का यूज़ किया था और उसके ऊपर मैंने बहुत थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। इसके साथ मैंने 1 कप चाय भी ली थी, लेकिन मैंने अपनी चाय को बिल्कुल ठंडा करके पिया था क्योंकि मुझे गर्म चाय पीना मना था। फिर इसके बाद, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट था, तो मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था। वैसे आजकल मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लेती हूँ। उस दिन मैंने अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में 1 ग्लास शिकंजी ली थी, जिसमें मैंने शुगर का अमाउंट कम ही रखा था। फिर मैंने अपना लंच लिया था और पेन ज़्यादा होने की वजह से मैंने रोटी नहीं ली थी। मैंने क्या किया था, मैंने खिचड़ी बना ली थी, जिसमें मैंने दाल का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखा था और चावल का पोर्शन थोड़ा कम रखा था, और इसको मैंने 1 कटोरी दही के साथ लिया था। फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था। वैसे नॉर्मली मैं अपने इवनिंग स्नैक में या तो कोल्ड कॉफ़ी लेती हूँ ज़्यादातर, या फिर अगर वो नहीं लेती हूँ तो मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ। तो मैंने उस दिन मस्कमेलन लिया था। जो पोर्शन आप देख रहे हैं, मैंने इस पर हाफ भी नहीं लिया था, मैंने अप्रॉक्सीमेट 1/3 पोर्शन ही लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा राइस या फिर खिचड़ी की फेवरेट नहीं है मेरे, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसको 1 या 2 मील से ज़्यादा लेती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने रात को रोटी ली थी, लेकिन इसके साथ मैंने कढ़ाई पनीर की सब्जी ली थी, जिसमें मैंने बहुत कम मसाले डाले थे। मैंने ये पनीर घर पे ही बनाया था, जिसको मैंने लो फैट मिल्क से बनाया था। फिर नेक्स्ट डे पे मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ा ठीक थी और वीकेंड भी था, तो मैंने ब्रेकफास्ट जो है काफ़ी लेट भी लिया था, तो मैंने उसमें आलू के पराठे लिए थे और इसको मैंने दही के साथ एंजॉय किया था। क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी फिलिंग था तो मैंने कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था, और मेरा लंच भी काफ़ी लेट हो गया था, जिसमें मैंने रोटी ली थी और जिसको मैंने करेले और आलू प्याज की सब्जी के साथ लिया था, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी दही भी ली थी। फिर इसके बाद मैंने अपना डायरेक्ट डिनर लिया था, मैंने कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था क्योंकि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बाहर चली गई थी, तो मैंने अपना इवनिंग स्नैक जो है वो स्किप कर दिया था। वैसे भी मेरा लंच लेट हुआ था, तो जब तक मैं गई थी मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, लेकिन आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मैं 10:30 के अप्रॉक्स वापस आई थी, तो मैं घर पर कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, इसलिए उस दिन मैंने बाहर से खाना लिया था, जिसमें मैंने छोले भटूरे लिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक भटूरा लिया था और छोले की क्वांटिटी भी काफ़ी कम ली थी क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ही ज़्यादा था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।